एक लड़की को अगर बचपन से जवानी तक मजबूरन एक टाइट कपड़ा अंदर पहना के रखा जाए सिर्फ उसकी आबरू बचाने के लिए, वो भी सारा दिन वॉशरूम जाने भी ना दिया जाए सिर्फ उसी आबरू को बचाने के चक्कर में, तो उसकी क्या हालत होगी। एक टर्किश सीरीज 2021 में स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है काम दकी किज। यह सीरियल मैं बहुत दिनों से एक्सप्लेन करने का सोच रही थी पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये सीरीज ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। 74 साल की टर्किश साइकेट्रिस्ट गुलसेरेन बुदाई चोगलू अपने जहनी बीमार पेशेंट्स के साथ बात करते हुए उनकी पर्सनल लाइफ से कहानी लिखती है। उन्हीं के एक नोवेल का नाम है काम दकी किज, जो उनके पेशेंट्स जैनब और मेहदी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि गुलसेरेन के दूसरे डॉक्टर दोस्त इस बात से नाखुश है कि वो अपने पेशेंट्स की कहानियों का नोवेल बनाती है, पर टर्किश ऑडियंस उनकी कहानियों को बड़े मज़े से सुनते हैं, इसलिए उन्हीं के नोवेल्स पर बनी सीरियल्स जैसे काम दकी किज, मासूम लार अपार्टमानी, इस्तानबुलू गेलिन वगैरह जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, वो सब कोविड के वक्त टर्की में धमाल मचा दिया था। काम दकी किज का मतलब है गर्ल इन द ग्लास, कांच के अंदर लड़की। मैंने यू ही देखा तो मुझे लगा इसकी समरी बता दूं। अच्छी खासी इंटरेस्टिंग शो है। सीन स्टार्ट होती है एक लेडी फरीदा को दिखाते हुए जो रोते रोते एक बॉक्स को दफना रही है। उसमें एक लड़की की चीज़ें हैं जिसका नाम सेमा है। उसकी तस्वीरें, रिपोर्ट कार्ड, कुछ फूल वगैरह उस बॉक्स में रखी हुई है। एक पेपर पर लिखा हुआ है टू नलान। दफनाने से पहले एक पेड़ का बीज उसमें डाल दिया गया, फिर दफनाने के सालों बाद वो पेड़ बड़ा हो गया है और फरीदा अभी एजेड हो गई है और उस पेड़ को प्यार से टच करके एक अंधेरे से रूम में जाती है। उस रूम में एक लड़की को एक मेड हैजमैट सूट पहन के नहला रही है। ये लड़की दरअसल फरीदा की बेटी है, इसका नाम नालान है। फरीदा भी हैजमैट सूट पहन के उसे नहलाती है। जिस्म पूछती है, नालान के यादों से हमें पता चलता है कि बचपन में जब नालान ने प्यूबर्टी हिट की थी तब उसकी अम्मी पागलों जैसी हो गई थी। उसको साफ करके उसको एक टाइट व्हाइट कलर का कपड़ा पहना देती है जिसे कॉर्सेट कहते हैं। नॉर्मली इसे लड़कियां अपनी बॉडी स्लिम दिखाने के लिए पहनती है, पर फरीदा नालान को यह कपड़ा पहना रही है उसकी आबरू बचाने के लिए। नीचे से ऊपर तक टाइट से पहना दिया गया है कपड़ा और एक रस्सी से सील कर दिया गया है। नालान को स्कूल भेजा जाएगा पर वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ रात को जा सकती है। कहती है पानी नहीं पीना तब जाना नहीं पड़ेगा वॉशरूम। प्रेजेंट में उसकी अम्मी उसकी वज़न नापती है, 53.3 kg आती है, तो उसकी अम्मी गुस्सा हो जाती है क्योंकि नालान ने कल एक एप्पल खाई थी जिससे उसका वज़न 3 grams बढ़ गया है। 53 से 1 gram नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स। फिर वही कॉर्सेट पहना के एक धागे से सील कर देती है ताकि चाह के भी कॉर्सेट ना उतार पाए नालान। इसी वजह से उसके बॉडी पे दाग आने लगे हैं। उसे दर्द और तकलीफ़ होती है जब वो बाहर जाती है। उसकी अम्मी उसके ऊपर दुआएं करती रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है जैसे ऊपर वाले हमें बुरे लोगों से बचाना, इस पर बुरी नज़रें ना पड़े। फरीदा ने साफ कह दिया कि अगर कभी तुमने इसे उतारा, कभी अपने डैड को बताया या कभी किसी लड़के को पास आने दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस ज़िंदगी से तंग आके नालान एक खूबसूरत दुनिया को इमेजिन करती है जहाँ दरिया, जंगल और हिरने हैं। हमें जब पूरा वॉशरूम दिखाया जाता है तो दिखता है कि नालान के ढेर सारे इनरवेयर्स वहाँ रस्सियों से लटकाए गए हैं और हीटर ऑन करके सुखाया जा रहा है, यानी बाहर किसी को दिख ना जाए कि नालान इनर्स पहनती है। उसके डैड आदिल उसे बहुत प्यार करते हैं पर फरीदा के सामने उसकी नहीं चलती है। आदिल उसे खाने में अंडे भी देना चाहता होगा तो फरीदा उसे रोक लेती है, उसे 2 उबले हुए सब्जी खाने को देती है। आदिल कुछ नहीं कह पाता। पर फरीदा इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि उसका भी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब हीरो के फैमिली पर आते हैं। यह है राफेत कोरोग्लू, एक बड़ा बिजनेसमैन, टर्की में उसका सबसे बड़ा होटल का चेन है, कंजूस होने में माहिर। इसकी बीवी गुलजिहान, गुलजिहान और राफेत के बच्चे हैं सेलिन, सदत और मुजफ्फर। यह है सेलिन का हस्बैंड लेवांत। मुजफ्फर को मुजो भी कहते हैं पर वो एक रूम में बंद रहता है। पहले तो उसे दिखाया नहीं जाता, एक गुमनाम आदमी बना रहता है, बाद में उसके बारे में पता लगेगा। ये टाको है जो कि सर्वेंट है। डस्टबिन में से 2 गोश्त के टुकड़े और 1 टिश्यू उठाकर घर ले गया। ऐसा तो जानवर करते हैं ना, जो बच जाता है वो डस्टबिन से ले जाते हैं। टाको इस बड़े से घर में जाके सारे लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं। ये राफेत का ही घर है। किचन में सेलिन और गुलजिहान बैठे हैं। डोंडो जो कि मेड है वो खाना बना रही है। टाको से सब डरते हैं। टाको आता है, चेक करता है खाना सही से नाप तोल के दिया गया है कि नहीं। पनीर 25.1 ग्राम का था, काट के 25 ग्राम का कर दिया। ये सब कुछ राफेत के कंजूसी की ट्रेनिंग है। जैतून 1 ज्यादा आ गई थी। डोंडो डरते हुए 1 जैतून निकाल लेती है। बापरे, टाको पर राफेत अपनी बीवी से भी ज़्यादा भरोसा करता है क्योंकि टाको बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर चलता है। पूरा घर अंधेरे में रहता है। घर पर फाफूंदी आ गई है।
पर सालों तक पेंट नहीं करवाया और इस तरह भूतिया घर बन गया। पर राफिद को पता नहीं कि गुलजियान उसी के कंजूसी से बचाए हुए पैसों से इतने सारे शॉपिंग करती है कि बेसमेंट शॉपिंग मॉल बन चुका है। सदत को इतने स्पोर्ट्स कार खरीद के दी है कि शोरूम बन जाए। सदत के कसिनों के खर्चे भी उठाती है वो। सदत दरअसल नालायक है, वो अपने से एक बड़ी उम्र की लड़की से अफेयर रखता है। इनफैक्ट उस लड़की की शादी होकर बच्चे हो गए पर फिर भी नहीं छोड़ता। उस लड़की का नाम है जाना, उसका शौहर भी नहीं जानता ये सब। राफिद इस बात को लेकर इतना गुस्सा है कि उसने सादत को बेइज्जत किया और उसे अपनी जान पहचान की लड़की यास्मीन से शादी करने के लिए मजबूर किया। पर सादत गुलजियान और सेलिन को यास्मीन बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो लोग सादत को कोसते हैं। सेलिन का शौहर लेवेंट भी काइंड ऑफ नालायक है। राफिद अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है इसलिए लेवेंट को सह रहा है। पर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मूज़ो है। घर पर कोई मुश्किल आए सब मूज़ो के पास जाते हैं, पर आखिरी डिसीशन मूज़ो से पूछ के ही ली जाती है। पर अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। टाकुर राफिद का जासूस भी है, वो इन सब की खबर राफिद को देता है। नालान एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है, एक कंपनी में इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करती है और वो कंपनी राफिद की ही है। उसकी एक दोस्त भी है दिलूर, जो कि बेबाक और उड़ती पंछी है। नालान को उसे देख के उसकी तरह होने का दिल करता है। दिलूर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स रखती है, जबकि नालान वर्जिन है और किसी लड़के को पास भी नहीं आने देती कभी। यही बातें वो लोग वॉशरूम में कर रहे थे और सेलिन ने सुन लिया। सेलिन और उसका शौहर उसी कंपनी में काम करते हैं। सेलिन को नालान चाहिए इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए भीड़ में चिल्ला के उसका नाम पुकारती है। नालान जवाब देती है तो वो बहाना बना देती है, फिर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। दिलूर हैरान होती है कि आखिर सेलिन नालान को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही है। एक सीन में दिलूर पानी पी रही होती है तो नालान को भी देख के पानी पीने का दिल करता है, पर वो नहीं पी सकती क्योंकि फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा और कॉर्सेट उतारनी पड़ेगी और फिर मार खानी पड़ेगी। फरीदा उसके हर चाल पर नज़र रखती है, फ़ोन पर लोकेशन देखती है, कहाँ रुकी कहाँ नहीं हर बात का जवाब मांगती है। अगर गलती से फ़ोन ऑफ हो गया और कॉल करने पर अगर वो नहीं मिली तो घर पे मार भी पड़ती है नालान को। आज बैटरी लो होने की वजह से नालान कॉफ़ी एरिया में फ़ोन चार्ज करती है, उसी कंपनी में सदत भी काम करते हैं। वो कॉफ़ी पीने उधर जाता है और नालान को वेट्रेस समझ के उससे कॉफ़ी मांगता है। नालान बींग शर्मिली बिना कुछ कहे कॉफ़ी बनाने लगती है, जबकि उसे पता नहीं कि मशीन में कैसे बनाते हैं। वो नर्वस होती है तो सदत उसे ऐसे ही नॉर्मल कॉफ़ी बनाने कहते हैं। नालान बहुत वक्त लगाती है तो सदत चला जाता है। दिलूर आके कहती है कि कितना हैंडसम है वो। नालान भी हामी भरती है तो दिलूर बहुत खुश होती है कि नालान किसी को पसंद करती है। दरअसल वो सदत को पहले से जानती है और शायद पसंद करती है। सेलिन बहुत स्मार्ट है, वो नालान का इन्फॉर्मेशन निकाल के अपनी अम्मी को दिखाती है। कहती है वो किसी से क्लोज नहीं हुई है कभी, प्रिंसेस जैसी है, संस्कारी, बिल्कुल जैसी डैड को पसंद है। ऊपर से ज़रूर उसे डैड जानते होंगे वरना हायर नहीं करते। हम उसे सदत के लिए कहेंगे डैड के सामने, इसे यास्मीन से छुटकारा मिल जाएगा। सदत इधर जाना के प्यार में गोते लगा रहा है। दरअसल उनका रिलेशनशिप ऐसा है कि जाना को सदत का उसके लिए पागलपन पसंद है, उससे प्यार नहीं करती बस मज़े लेती है। जब सदत आके कहते हैं कि डैड ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जाना कहती है कर लो फिर तुम्हारा डैड सर नहीं खाएंगे तुम्हारा, हमारे रिलेशनशिप में क्या ही फ़र्क आएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। पर सदत खुद को उसी के लिए रखना चाहता है और उसे जाना के रिएक्शन से बुरा लगता है। ऑफिस ख़त्म करके नालान घर लौटते ही सबसे पहले एक गिलास पानी गटगट पी जाती है। उसकी अम्मी उससे पहले उसको हज़ारों सवाल करती है कि यहाँ क्यों रुकी थी, वहाँ क्यों गई थी, यानी लोकेशन से उसे पता चल जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ होने से इसलिए मारती है वो क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। सेलिन अपने भाई को नालान का कह के मनाने की कोशिश करती है ताकि यास्मीन से बच पाए वो लोग, पर उसका भाई मना कर देता है। पर डिनर पर सेलिन अपने डैड को बताती है कि सदत नालान को चाहता है पर बताता नहीं, उनकी शादी करवा दो। नालान को राफेत जानता है, उसने हामी भर दी। डिनर पर ही आदिल को कॉल कर दिया, दरअसल आदिल उसका पुराना एम्प्लॉय है। आदिल भी मान गया और नालान को सदत की कॉल आती है। आदिल कहता है उठाओ और जो भी वो कहे हाँ कर देना। सदत कॉल पे नालान से कहता है कि आपसे मिलना चाहूँगा, कल डिनर पे मिले। नालान तो मान जाती है पर फरीदा का मुंह बन गया, वो नहीं चाहती कि नालान की शादी हो। पता है उसकी अम्मी ने जानबूझ के उसका नाम नालान रखा जिसका मतलब है रोना। उसके हरकतों से लगता है कि वो कभी नहीं चाहती कि नालान का घर बसे, उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना चाहती है। सबको खाने से उठवा कर आदिल से लड़ाई करती है। आदिल गुस्से से कहते हैं कि उसकी शादी होगी, बस मैंने कह दिया। फरीदा तोड़फोड़ करने लगती है तो आदिल उसे संभालता है, समझाता है कि एक दिन तो उसे जाना ही होगा, क्यों उसे टॉर्चर करने पे तुली हो, ये कैसी पागल इंसान है भाई, ये सब इसे सिखाना पड़ रहा है, पर हाँ इसका भी कोई माजी है। फरीदा जब भी ये सब सुनती है जैसे बदनामी, प्रेस, इन सब लफ्ज़ों से वो बहुत डरती है और आदिल को ये सब पता है।
नालान अपनी दोस्त को सादत का बताती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जिसको उसने चाहा वो उसे मिल गया। इधर राफत ने सादत को कल ही नालान को प्रपोज़ करने कहा। सादत अपना गम जना से बांटता है, वो सेम बातें करती है कि शादी कर लो उससे, हम मज़े करेंगे। और हमें ये पता चलता है कि सदत और जना अजीब से रिलेशनशिप में है। जना सदत को हर्ट करती है, शायद फिजिकली और मेंटली। सदत इसी में खुश रहता है और जना इस बात के मज़े लेती है। इधर नालान बहुत खुश है और सपने देख रही है, पर अपनी अम्मी को नाखुश देख के कहती है कि अगर आप नहीं चाहती तो ये सब नहीं होगा। फरीदा कहती है तुम जाओगी, पर अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई और तुम्हारे कैरेक्टर पर दाग लगी तो मैं बुरी हालत कर दूंगी। नालान याद करती है कि एक बार उसने स्कूल में एक गेम के लिए अपनी दोस्त से अपनी कॉर्सेट उतरवाई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी अम्मी उस पर नज़र रख के बैठी है स्कूल के बाहर, और उसने नालान को बिना कॉर्सेट के देख लिया। उसे सबके सामने थप्पड़ मार के घसीटते हुए ले गई और कार के अंदर मार मार के बेहोश कर दिया। कोई कुछ नहीं कर पाया। राफेत ने कह दिया इसी हफ्ते शादी होगी। फरीदा का नर्वसनेस से बुरा हाल है। उसको अपनी प्यारी ड्रेस नालान को देनी पड़ती है। वो रोती है क्योंकि उसे अपनी बेटी सेमा को यह ड्रेस देनी थी पर नहीं दे सकी। नालान को ड्रेसअप करने बिल्लू रही है। ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है नालान। उसको उसका डैड छोड़ने जाता है डेट पे। दोनों मिलते हैं और काफ़ी अच्छी जाती है डेट। सदत अच्छे से बात करता है और नालान नर्वस होती है। सदत नालान के बारे में बहुत कुछ जान पाता है। बाहर प्रेस आई हुई थी और प्रेस के पूछने पर सदत कह देता है कि यही मेरी होने वाली बीवी है। सदत और नालान की शादी सीजन 1 के एंड में होती है, एपिसोड 9 में। इतने दिन नालान सपने में सदत को देखती थी कि वो उसके क्लोज आ रहा है, लेकिन फिर वो डर के मारे जाग जाती थी क्योंकि उसे लगता था जैसे उसकी अम्मी उसके सपनों को देख रही है। शादी के दिन जाना भी आती है और वो लोग उसे सदत की बहन जैसी रिलेटिव बताते हैं। शादी होने के बाद सदत वॉशरूम में जाना से क्लोज होता है, बहुत ज़ोरों से बात करता है उससे, जो सदत की अम्मी सुन लेती है और बहुत रोती है क्योंकि उसका बेटा नालान को धोखा दे रहा है। फरीदा भी उन दोनों को वॉशरूम से निकलते देख लेती है और समझ जाती है और अकेले में जाना के बाल पकड़ के उसे धमकिया देती है। बेडरूम में नालान डरते हुए सदत का वेट करती है। सदत आकर उसको ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे बेइंतहा प्यार करता है। उसके क्लोज आकर उसे छूता है तो वो डर के मारे कहती है कि मुझे अम्मी के पास जाना है, प्लीज़ वेट करो, और बोल के भाग जाती है अपनी अम्मी के पास। कहती है मुझे आपकी ज़रूरत है अम्मी, डर लग रहा है। उसकी अम्मी कहती है कि शादी करनी थी ना तुम्हें, अब रहो अपने शौहर के पास, बोल के मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। नालान वहीं बैठ के रोती रह गई। पूरी ज़िंदगी उसे इतना डराया, अब जब उसे संभालना था तो अकेला छोड़ दिया। पर अंदर फरीदा भी रोने लगती है, उसकी भी कोई मजबूरी है इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तभी एक आदमी जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता पर उसका नाम है हायरी, वो नालान को एक कपड़े से ढक देता है। सीजन 1 वहीं पे ख़त्म होता है। सीजन 2 के स्टार्टिंग में उसी सुबह हम देखते हैं कि नालान और सदत अब भी क्लोज नहीं हुए हैं। सदत उस रात को सो गया था जब तक नालान आती। अब भी वो उसके पास आता है तो वो भाग जाती है। गुलजियान अपने बेटे से बात नहीं करती गुस्से में। फरीदा अब भी शादी से नाराज़ है। इधर नालान के बेडरूम को साफ करने दो लोग आए हैं, उनमें से एक हायरी भी है। अब शादी के बाद नालान को शौहर का प्यार नहीं मिलता है। जाना और सदत का रिश्ता और बेवफाई सहनी पड़ती है नालान को। सिर्फ मूजो ही उसकी हेल्प करता है। दरअसल मूजो की पीठ पर हम्प है, यानी कुबड़ है। उसकी अम्मी उसको लेके बहुत हसास है। उसे बचपन से उसकी अम्मी ने बाहर जाने नहीं दिया शर्म से। दरअसल मूजो नालान से प्यार करता है पर कभी कह नहीं पाया, और इस तरह दोनों कभी एक नहीं हुए। इसी बीच फरीदा का सीक्रेट सामने आता है। उसका भाई मतीन उससे मिलने आया है, और गेस व्हाट, कितना बड़ा सीक्रेट है। दरअसल फरीदा नालान की अम्मी नहीं, नानी है। उसके भाई मतीन ने फरीदा की बेटी सेमा के साथ ज़बरदस्ती की थी, जिसकी वजह से सेमा प्रेग्नेंट हो गई थी और नालान को जन्म दिया था। सेमा की डेथ हो गई और आदिल और फरीदा ने नालान को पाला उसके अम्मी अब्बू की तरह, और अपने ही भाई से ऐसे धोखे की वजह से फरीदा इतनी पागल हो गई कि किसी पे भरोसा नहीं कर पाती, और जिसका असर नालान पर पड़ा। वो खुद गिल्टी फील करती है कि नालान को इतना सहना पड़ा उसकी वजह से। पीछे जो लड़की खड़ी है फरीदा के, वो दरअसल सेमा की ही आत्मा है। बीच में नालान के डैड या नाना जी यानी आदिल उसे सच्चाई बताने आए भी थे, पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर नालान को एक लड़के से प्यार होता है और वो और कोई नहीं, हायरी है, वही जिसने उसे शादी वाले दिन संभाला था। वो उससे उम्र में 7 साल छोटा है और शादीशुदा 3 बच्चों का बाप है। वो शायद नालान का पीछा करते हुए सदत के घर पे एज अ सर्वेंट या फिर ड्राइवर का काम करने लगा। बहुत प्यार होता है दोनों में। हर वक्त वो नालान के घर के बाहर खड़ा रहता है, उसका वेट करता रहता है। इधर सादत से जाना प्रेग्नेंट हो जाती है, पर जाना और बच्चा दोनों मर जाते हैं। फरीदा अब नालान को प्यार करने लगी है। उसके शादी को बचाने के लिए उसे हायरी से दूर सदत के पास भेज दिए। उसके साथ उसके ससुराल में रहती है।
और हुक्म चलाती है। नालन में भी हिम्मत आ गई, सबको मुंह पे जवाब दे पाती है। अब वो सादत से क्लोज होती है तो सादत भी क्लोज होता है उसके। नालन प्रेग्नेंट भी होती है पर वो बच्चा खो देती है। फरीदा को मतीन के आने से फिर से पुरानी बातें याद आ जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। मतीन फरीदा के मैयत के बहाने नालन से मिलने आता है। हफीजे यानी फरीदा की मेड उसको धमकाती है कि वो उसको मार डालेगी अगर वो नालन के पास भी आया तो। पर मतीन अपनी बेटी को हर हाल में अपना बनाना चाहता है। अब हफीजे फरीदा की जगह ले लेती है और हमेशा नालन को बचाती है जैसे फरीदा बचाया करती थी। फिर नालन सादत से तलाक लेने का सोचती है। सादत उसके पैरों पर गिर जाता है क्योंकि वो अब उसके बिना नहीं रह पाएगा। पर नालन ने तय कर लिया है कि वो तलाक लेके रहेगी। वो खुश होकर तलाक लेने वाली होती है। हायरी भी बहुत खुश होता है पर तभी उसकी वाइफ और बच्चे उसके घर पे आ जाते हैं। अभी तक यही पर सीरियल चल रहा है, आगे और भी एपिसोड्स आने हैं। सीरियल है तो बहुत इंटरेस्टिंग पर बहुत स्लो है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम कह सकते हैं फरीदा थी, पर सबसे अच्छा कैरेक्टर है मूज़ो। वो नालन से बेइंतहा प्यार करता है पर दूर से, हमेशा उसके लिए दीवार की तरह खड़ा रहता है। इनफैक्ट सदत की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग सदत नालन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, हालांकि सादत उसे धोखा देता है। सादत तो हायरी से भी जलता है जबकि वो उसी वक्त जाना के साथ भी था। जिस दिन फरीदा की डेथ हुई उस दिन पूरी फैमिली ऐसे मातम कर रहे थे जैसे उनके ही किसी बड़े की डेथ हो गई है। हर कोई जैसे कि राफेत, गुलजिहान, सेलिन, उसका शौहर, सर्वेंट्स, सब फरीदा के लिए बहुत मायूस हुए जा रहे थे और नालन को बेटी की तरह संभाल रहे थे। और यही चीज़ इस सीरियल को खास बनाती है, वरना कौन सा घर अपनी बहू और उसकी अम्मी को बॉस जैसा दर्जा देगा। एनीवेज वीडियो ख़त्म।